गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू बियॉन्ड माय लिमिट व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड हम भी आवर फिट एंड फाइन है। आज है मंडे मॉर्निंग और मैं जा रही हूँ टेंपल। और मेरे पीछे जो आप ये सब देख रहे हो ना, तामम जामम, ये एक्चुअली जो कल फंक्शन हुआ था, रिसेप्शन का जो फंक्शन हुआ था, उसका सामान है। अभी भैया देखो लेने भी आए हैं, यहाँ पे सारा सामान इसमें वापस लेके जाएंगे, तो ये यहाँ से अभी पूरे हट जाएंगे और मैं जाती हूँ अब टेम्पल और आपसे मिलूंगी मे बी विथ प्रसाद। बाय द वे, आज मैंने पहना है वाइट कलर। वाइट कलर बोलते हैं कि मंडे को वाइट पहनना चाहिए और विथ रेड दुपट्टा, समथिंग लाइक दैट। तो ये है आप सबके लिए भोलेनाथ का प्रसाद। ये खीर नहीं है, कर्ड राइस है। सो फाइनली हमारी पूजा हो गई है। ये है हमारा टेम्पल शंकर भगवान का। मैं यहीं आती हूँ, ट्राई करती हूँ मैं हर मंडे यहाँ पर आने के लिए। हैप्पी मंडे। मैं आ गई हूँ स्वीट शॉप में क्योंकि मुझे अभी स्वीट्स लेना है कल के लिए। और मैं कल कहाँ जाऊँगी वो तो आपको पता ही है, एज ट्यूसडे यू कैन गेस इट। स्वीट लवर्स, प्लीज हिट द लाइक बटन। फाइनली मुझे फूल भी मिल गए हैं कल के लिए। आज मैंने बनाई है भंडारे वाली आलू की सब्जी। वाओ, खुशबू तो सच में बोल रही हूँ यार, बहुत अच्छी आ रही है। तो भंडारे वाली सब्जी बनाई है मैंने आलू की। ये परी को हर जगह आना होता है। इसके साथ मैंने बनाई है रोटी। तो यस, ये हमारी, मेरे को ना पता नहीं क्यों ये कलर इतना अच्छा लग रहा है ना, पता है इसमें एक चीज़ मिसिंग है। क्या आप गेस कर सकते हो क्या मिसिंग है? चलो मैं बता ही देती हूँ, इसमें मिसिंग है धनिया पत्ता। और धनिया पत्ता घर में अभी नहीं है, यू नो, पता नहीं ख़त्म हो गया है। अभी फ्रिज में देख रही थी तो नहीं मिला। तो यस, एक ही चीज़ मिसिंग है बस इसमें। किसका किसका मन कर रहा है भंडारे वाली आलू की सब्जी और रोटी खाने का, प्लीज़ आइए साथ में डिनर एंजॉय करते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ एंड हम आपसे मिलेंगे अपने ब्रांड न्यू ब्लॉग में कल, यानी कल मिलेंगे हम आपसे। और तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ब्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ बताओ। आपको पता होगा मैं रोज़ रात को 9 o'clock अपना ब्लॉग अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड गुड नाइट, बाय बाय, शब खैर।